क्या टीम इंडिया के खिलाड़ी मैदान पर शराब की बोतल लेकर जाते हैं? टीम इंडिया की फोटो में रखी शराब की बोतल का सच क्या है? इंग्लैंड के मैनचेस्टर में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल की जंग जारी है। इस मैच में जीत के लिए देश भर से टीम इंडिया को शुभकामनाएं संदेश भेजा जा रहा है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रही टीम इंडिया की एक तस्वीर पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल बिहार के सत्तारूढ़ दल जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता और पार्टी के सीनियर नेता अजय आलोक ने 9 जुलाई को भारत न्यूजीलैंड के बीच मैच शुरू होने से पहले टीम इंडिया की एक तस्वीर को ट्वीट किया। इस ट्वीट में टीम के कोच रवि शास्त्री की कुर्सी के नीचे शराब की बोतल रखी हुई है। इतना ही नहीं, अपने ट्वीट में अजय आलोक ने लिखा, अच्छा हुआ रवि शास्त्री और विराट कोहली की ये तस्वीर बिहार में नहीं ली, नहीं तो विश्व कप का जश्न जेल में मनाते आप लोग और अफसोस नीतीश कुमार समेत सभी को होता। विश्व कप के लिए शुभकामना आप लोगों पे, देश को गर्व है। हालांकि ये तस्वीर फोटोशॉप्ड है, साफ है कि अजय आलोक एक गलत तस्वीर और फेक न्यूज के शिकार हो गए हैं। अगर असली तस्वीर की बात करें तो ये पूरी टीम इंडिया की तस्वीर है, जिसे BCCI ने 6 जुलाई को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था। अपने ट्वीट में BCCI ने लिखा था, एक टीम एक देश एक इमोशन। BCCI की तरफ से ये तस्वीर उस वक्त शेयर की गई थी जब टीम इंडिया की जगह सेमीफाइनल में पक्की हो गई थी। आपको बता दें कि अजय आलोक जेडीयू के तेज तर्रार नेता है। अजय को टीवी डिबेट्स में पार्टी के विचारों को पुरजोर तरीके से रखने में माहिर माना जाता है। लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा को लेकर अजय आलोक ने कुछ ऐसा कह दिया था, जिसके बाद जून महीने में उन्हें प्रवक्ता पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि अपना इस्तीफा देते वक्त उन्होंने कहा था कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाए हैं, इसलिए पद छोड़ रहे हैं। इसके बाद से ही उनके BJP में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।